खेल मंत्री हाफिजुल हसन ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दे दी श्रद्धांजलि। जिंदा रहते पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दे दी श्रद्धांजलि। खेल मंत्री हाफिजुल हसन की ये कैसी लापरवाही, एम्स में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की तबीयत में तेजी से हो रहा है सुधार, ये कहना है एम्स का। तो एम्स से ये खबर आ रही है कि मनमोहन सिंह की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन खेल मंत्री हाफिजुल हसन ने उन्हें श्रद्धांजलि दे दी है। यानी हाफिजुल हसन के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो खेल मंत्री हाफिजुल हसन ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आज निधन हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में आज जो तरक्की आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, तो 50% उनका हाथ। हिंदुस्तान का शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आज निधन हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में आज जो तरक्की आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, तो 50% उनका हाथ। तो सुन लिया आपने, खेल मंत्री हाफिजुल हसन को कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने उन्हें वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जबकि आपको बता दें कि एम्स से ऐसी खबर है कि मनमोहन सिंह की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। जनप्रतिनिधि हैं, खेल मंत्री हैं हाफिजुल हसन, और इन्होंने श्रद्धांजलि दे दी है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को। ये लापरवाही एक आम आदमी करे तो बात समझ में आती है। आप खेल मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? ये कोई छोटी बात नहीं है जो इन्होंने कही है। मनमोहन सिंह पूर्व पीएम रह चुके हैं और उनके लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं, और ये भी कह दिया कि उन्होंने क्या कुछ काम किया है, तारीफों के पुल भी बांधे और साथ ही साथ श्रद्धांजलि भी दे दी उन्हें जो अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि एम्स से यह खबर है कि उनकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा इसी झारखंड में एपीजे अब्दुल कलाम को भी श्रद्धांजलि दे दी गई थी। जनप्रतिनिधि ऐसी लापरवाही, इस तरीके की लापरवाही कैसे कर सकते हैं? अगर जनप्रतिनिधि ही ऐसा होगा तो जनता की क्या बात। आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है खेल मंत्री हाफिजुल हसन ने। शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आज निधन हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में आज जो तरक्की आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, तो 50% उनका हाथ। हिंदुस्तान का शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आज निधन हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में आज जो तरक्की आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, तो 50% उनका हाथ। तो सुना आपने, मंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में पूर्व प्रधानमंत्री का 50% हाथ है। उन प्रधानमंत्री का जो अभी जीवित हैं, जिंदा हैं, एम्स से यह खबर भी आ गई कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन इनके लिए वो मर चुके हैं। पता नहीं वो कौन से ऐसे सूत्र हैं जिनके हवाले से खेल मंत्री इतने आश्वस्त हैं और इतने आराम से उन्होंने श्रद्धांजलि दे दी है, तारीफों के पुल भी बांधे और ये कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच अब नहीं रहे, उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है और श्रद्धांजलि दे दी। ये है हमारे जनप्रतिनिधि, ये जिन्हें ये भी नहीं पता कि श्रद्धांजलि किसे दी जाती है। जिस व्यक्ति के बारे में ये बोल रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनकी स्थिति क्या है ये भी जानने की जहमत इन्होंने नहीं उठाई है। बस कहीं से उड़ती उड़ती सी खबर सुनी और श्रद्धांजलि देने पहुंच गए।
तो सुनिए एक बार फिर से, आप सुनिए कि क्या कुछ कहा है मंत्री हाफिजुल हसन ने। शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आज निधन हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में, आज जो तरक्की आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, तो 50% उनका हाथ। हिंदुस्तान का शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आज निधन हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में, आज जो तरक्की आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, तो 50%। तो सुना आपने, हमने आपको सुनाया कि खेल मंत्री हाफिजुल हसन ने श्रद्धांजलि दी है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, जो अभी जीवित हैं। इतनी ज्यादा इन्हें हड़बड़ी है श्रद्धांजलि देने की कि जो व्यक्ति जीवित है उसे ही श्रद्धांजलि दे डाली, और तारीफों का एक पुलिंदा भी बांधा साथ में। ये है खेल मंत्री हाफिजुल हसन, जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, और इनके बोल सुनिए कि जो व्यक्ति जीवित है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसे उन्होंने श्रद्धांजलि दे दी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शहनवाज, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, और इनकी बात सुनिए, जो व्यक्ति अभी जिंदा है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उन्हें ही श्रद्धांजलि दे दी, और तो और तारीफों के लंबी फहरिस्त भी उन्होंने सुनाई कि उन्होंने किस तरह से भारत के लिए अच्छे काम किए, जो तरक्की हो रही है उसमें उनका 50% योगदान है। देखिए, तारीफ तो अपनी जगह ठीक हो सकती है, तारीफ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जीवित है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जाती है। कल ही 2 बजे के बुलेटिन की अगर हम बात करें एम्स की, तो वहां से बुलेटिन जारी हुआ था कि उनकी कंडीशन पहले से बेहतर है, स्टेबल कंडीशन में है वो। तो फिर पता नहीं कैसे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर संचार तंत्रों से उनका कोई लिंक नहीं है, उन्होंने जो सलाहकार रखे हैं वो मीडिया से उनको कोई ताल्लुक नहीं है, या फिर उनके पास टेलीविजन देखने का समय नहीं है। इन सब बातों को अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अपरिपक्वता जो होती है वो झलकती है। अभी नए नए हैं राजनीति में, पहली बार जीत करके आए हैं, मंत्री भी पहली बार बने हैं, और जाहिर है ये सब चीजें उनके लिए नई हैं। जाहिर है उनको सतर्क हो जाना चाहिए, ये उनके साथ ये इस तरह का जो पहला वाकया है। हालांकि ये इस तरह की घटनाएं नई नहीं है, देश में कई बार तो विधानसभा तक में किसी को श्रद्धांजलि दे दी गई है, झारखंड में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन ये जब भी ऐसा होता है इसकी भर्त्सना होती है, बहुत तीव्र भर्त्सना की जानी चाहिए, क्योंकि आप एक अहदे पर हैं, आप एक मंत्री हैं, आपके पूरा एक नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार का एक हिस्सा है, और जाहिर है जब आप कुछ वैसा बोलते हैं तो बहुत सारे लोग उसको आंख बंद करके मानते हैं और आपकी मोहर लग जाती है उस खबर पर। लिहाजा ये बहुत ही गलत हुआ है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और उनको भी इस मामले से सबक लेना चाहिए कि ऐसे मौके पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है पूरी जानकारी ले लेना है। देखिए, मंत्री का जो पद होता है वो जिम्मेदारी का पद होता है, हम लोग भी चले जाते हैं कि आप फलानी चीज पर पत्रिका दे दीजिए, आप किसी चीज पर इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आप हमको बाइट दे दीजिए, और अगर बिना सोचे समझे अगर वो बाइट दे देंगे या कि कोई जानकारी हमको प्लेस कर देंगे और हम उसको प्रसारित कर देंगे, तो उनके साथ तो हम भी दोषी करार दे दिए जाएंगे, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। लिहाजा मंत्री होने के नाते उनसे गलती हुई है, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए सार्वजनिक मंच से उनको, और आगे के लिए
उनको भी अपना कमांड कस लेना चाहिए कि उनको कितना समय टेलीविजन पर देना है, सारी चीजों को पहले ऑब्जर्व करना होगा तब कुछ बोलना होगा। एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है कि इतना सोशल मीडिया के नाम पर, मीडिया के नाम पर, पोर्टल के नाम पर इतने सारे संवाददाता, इतने सारे संवाद माध्यम ऑथराइज अनऑथराइज जंगल के कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं, यहाँ राजधानी रांची में ही नहीं रीजनल स्तर पे भी वो लोग लेकर के घूमते हैं और किसी मंत्री के सामने माइक लगा देते हैं, कुछ बुलवा लेते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं पहले कि ऐसा हुआ है और आप ऐसा प्रतिक्रिया दे दीजिए, तो उस पर विश्वास कर लेना उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो मीडिया में अभी आया है उससे पहले क्या करता था। बहुत सारे अपराध कर्मी जो अपराध की दुनिया में है, बदनाम हो चुके हैं, सर छुपा के घूम रहे हैं, वो आईडी लेके घूमते हैं, लाके चले जाते हैं किसी व्यक्ति के पास, उसका बयान ले लेते हैं और बयान को चलाते हैं सोशल मीडिया पर। एक अजीब सी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है सच्चाई और सच्ची खबर के बीच। तो ये सारा कुछ एक बहुत ही अच्छी चीज नहीं है जो आज हुई है, और इसको जितनी इसकी तीव्र भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, कम है। बिल्कुल शहनवाज, जितनी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। देखिए, तारीफों की जो फहरिस्त है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात से है कि जिस संदर्भ में वो कहा गया है, श्रद्धांजलि देते वक्त ये कहा गया है। आप ऐसे तारीफ करते हैं उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है या किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप बाकायदा वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, वहाँ जा कर के आप श्रद्धांजलि देते हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है और अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, और आप कोई साधारण आदमी नहीं है, आप मंत्री हैं, सरकार के साथ हैं। ऐसे में आप ये गलती कैसे कर सकते हैं? अगर आप ये गलती करेंगे तो जो आम लोग हैं फिर उनकी क्या बिसात है? शहनवाज जी, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, और ये यही एक कथा सार का पूरा निचोड़ यही है कि आप अगर जिम्मेदार बनाए गए हैं, आपको एक जिम्मेदारी का पद दिया गया है, तो आप उसके लायक खुद को पहले साबित करें। कोई जरूरी नहीं है कि मीडिया में रोज आपके बयान छपे, रोज आपके बाइट्स लगे, रोज किसी न किसी मुद्दे पर आप आपकी तस्वीर। बिल्कुल शहनवाज, हम आपको थोड़ा यहाँ रोकना चाहेंगे। दीपक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक प्रकाश जी, आपने सुना कि किस तरीके से मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे दी गई है खेल मंत्री हफिजुल हसन की तरफ से, क्या कहेंगे इस पे? उम्र दीर्घायु हो और उनका जीवन बहुत ही सुनहरा रहा है और बेहतर वो समाज की सेवा करें, ऐसी हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करेंगे। जहां तक हफिजुल हसन साहब का सवाल है, अब सरकार के मंत्री है, सम्मानित मंत्री है, विवेक होना चाहिए, समाचारों का थोड़ा अच्छा से ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद कोई टिप्पणी करना चाहिए, कोई अपना विचार रखना चाहिए। ये हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि गैर जिम्मेवार मंत्री झारखंड के सरकार में है। अब कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि किसके साथ इनका गठबंधन है, किस प्रकार के नेताओं के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, और इस प्रकार के लोग खेल मंत्री बन रहे, खेल मंत्री बन रहे जी। खेल मंत्री बन करके किसी के जीवन के साथ भी खेलवाड़ कर लिए। बिल्कुल दीपक प्रकाश जी, वो तो आपने कहावत सुनी ही होगी कि जो बंदर है वो अगर किसी इंसान का दोस्त हो जाए तो मक्खी की जगह पे नाक ही काट दे, कुछ कुछ ऐसा ही नहीं प्रतीत हो रहा है? देखिए, मैं उस भाषा का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन अब तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार के मंत्री है, खेल तो कर नहीं पा रहे, खेला करवा रहे हैं, और इस प्रकार का अमर्यादित बात है, ये अमर्यादित बात है। मनमोहन सिंह की आयु दुर्वायु हो जी, उन्होंने देश के लिए किया है। बिल्कुल, देखिए ये एक अच्छी बात है दीपक जी, और हमारे राज्यसभा के सम्मानित सदस्य हैं, हम भी राज्यसभा में, हम तो उनको आदर और सम्मान के दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इस प्रकार से कि उनके सहयोगी दल के मंत्री और राज्य के क्या हाल इस प्रकार की बातें को उनको और सरकार के मुख्यमंत्री को उनको विचार करना चाहिए इसे मंत्रियों को रखने पर। जी बिल्कुल, विचार करना चाहिए, ऐसे ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए।
जी बिल्कुल, तो आपका ये कहना है कि मंत्रिमंडल से ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए दीपक प्रकाश जी? निश्चित तौर पे जी, निश्चित तौर पे है, क्योंकि इस प्रकार के मंत्री के रहने से केवल मंत्रिमंडल ही बदनाम नहीं होती है बल्कि राज्य पर भी कलंक लगता है, पूरे देश में खबर चल रही है जी, देश और दुनिया में झारखंड का नाम को कलंकित करने वाले ऐसे मंत्री बैठे जी, जी। राज्य का मामला नहीं है जी, राज्य के मंत्री है, मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्य है, और वो झारखंड के लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है कोई मंत्री होना, और उस प्रतिष्ठा को इन लोगों ने मट्टी में मिलाने का काम किया, माटी में मिलाने का काम, इसलिए उनको मंत्रिमंडल के बाहर रास्ता दिखाना जा रहा है जी। जी बहुत शुक्रिया दीपक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे दीपक प्रकाश जी को, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, वो बता रहे थे कि खेल मंत्री ने खेला कर दिया। और हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव रंजन, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन जी, आपने सुना मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दे दी है खेल मंत्री हाफिजुल हसन ने, आप इसे किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कल से लेकर के आज तक कई बार इस प्रकार की खबरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, शायद ये उसी का नतीजा हो सकता है। लेकिन मैं सुन रहा था आपकी बातों को और आदरणीय दीपक प्रकाश जी को, जी आदरणीय दीपक प्रकाश जी को पहले ये बताना चाहिए कि उनकी तो तत्कालीन सरकार की शिक्षा मंत्री ने किस प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो पहले राष्ट्रपति थे उनके जीवित रहते ही उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया था जी, बिल्कुल। इसलिए दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उनको अपने चेहरे पर भी ध्यान देना चाहिए कि तीन उंगलियां उनके तरफ उठ करके इशारा कर रही हैं। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन कोई भी किया हो, किसी भी दल से किया हो, ये गलत तो है ना? आप मानते हैं या नहीं मानते ये गलत हुआ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और ये अपुष्ट सूचना पर इस प्रकार से रिएक्शन देना कहीं ना कहीं जल्दबाजी का काम होता है, और जल्दबाजी का काम गड़बड़ी का काम होता है जी, बिल्कुल। तो राजीव जी, आप इस पर क्या एक्शन लेंगे? नहीं, इसमें एक्शन लेने वाली कौन सी बात है, कोई इंसानी भूल है, इसमें एक्शन लेने की क्या बात है सर? लेकिन जिसके बारे में कहा गया है वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आपके यहाँ खेल मंत्री वो हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है सर, ऐसे ऐसे बोलेंगे आपको कैसे काम चलेगा? मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के मामलों को कोई तूल देने की आवश्यकता है, इंसानी भूल है। मैंने कहा कि कल से ही सोशल मीडिया में इस प्रकार की खबरें चल रही है, कई कार्यकर्ताओं ने भी, हमारे पार्टी से भी जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने भी उनके प्रति जो अगाध प्रेम है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, उसको लेकर के अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने का काम कर दिया था, फिर बाद में उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। तो क्या मैं सबके ऊपर हम लोग एक्शन लेते चले? तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये मानवीय भूल है और इस भूल को माफ कर देना चाहिए, इसको तूल नहीं देना चाहिए? लेकिन सर आप नुमाइंदे हैं, सर आप नुमाइंदे हैं, सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आप नुमाइंदे हैं, अगर आप ऐसी गलती करेंगे सर तो आम आदमी की फिर क्या बिसात है? स्वाभाविक है कि इस प्रकार की चीजों से परहेज करना चाहिए, खास करके संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को अगर इस प्रकार की कोई सूचना कहीं से प्राप्त होती है तो उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए जी, बिल्कुल। तो राजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि ये मानवीय भूल है, लेकिन सर जो भी आप लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं आपके यहाँ, उनको भी थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, भले ही सोशल मीडिया में कुछ भी वायरल हो रहा हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजीव रंजन जी को आप सुन रहे थे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और वो कह रहे थे कि ये मानवीय भूल है और इसे उतना तूल नहीं देना चाहिए। हमारे साथ शहनवाज भी बने हुए हैं। शहनवाज, सुना आपने? सटीक जानकारी राजीव रंजन जी ने भी दे दी, जो मैं ही बताने वाला था अभी, लेकिन चूंकि दीपक प्रकाश जी बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, प्लस ये पार्टी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके भी सरकार के कार्यकाल में नीरा यादव से ये भूल हुई थी और उसकी भी काफी चर्चा भर्सना हुई थी। ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने माफ कर दिया था, उनसे भी लोगों ने जवाब तलब किया था। बहरहाल ये एक गलती हुई है, अब इसमें तस्दीक नहीं करने की गलती हुई है, बिना सोचे समझे बोलने की गलती हुई है, और राजनीति में ये गलतियां जो हैं ये भारी पड़ जाती हैं कभी कभी। ये ऐसे व्यक्ति को
महत्वपूर्ण पद पर बैठाया हुआ है, कोई डिसीजन लेने की पावर है उनके पास, करोड़ों रुपए किसी को फाइल सैंक्शन करने के पावर है, ठेकेदारी जैसी चीजें देने का पावर है, योजनाओं को स्वीकृति देने का पावर है, और प्लस ये कि वो सरकार सरकार के स्पोक्समैन के तौर पर भी उनकी बात को समझा जा सकता है जी। वो मंत्री हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं, इसके लिए उनको कम से कम इस बात से सबक लेना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि इसको फौरन उनको आगे बढ़कर बड़ा दिल दिखाते हुए इस पर क्षमा मांग लेना चाहिए, बिल्कुल अपनी गलती मान लेनी चाहिए। शहनवाज, बात निकली है तो क्या दूर तक जाएगी? देखिए दूर तक जाएगी, लेकिन अब चूंकि मिसाल दूसरी तरफ भी मौजूद है, नीरा यादव की मिसाल मौजूद है, उनको भी कम से कम इतना कड़ा बयान दीपक प्रकाश जी को देने से पहले उनको याद करना चाहिए कि उनके कार्यकाल में भी ऐसा हुआ है। और ऐसी चीजें होती हैं, अक्सर होती हैं। मैंने कहा ना कि विधानसभा में भी एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने जैसी कोई चीज यहाँ पर हो गई थी गलती से, जिसे फौरन सुधार लिया गया। तो जाहिर है ये चीजें होती हैं, लेकिन चूंकि मंत्री से हुई है, नए मंत्री से हुई है, इसलिए इस पर हो सकता है कि कुछ ज्यादा बातें हों। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस की तरफ से हो ये बात आ गई है कि मानवीय भूल है, तब जब मानवीय भूल की संज्ञा कांग्रेस वाले ही दे रहे हैं, जिनके खिलाफ ये बात है, जिनके नेता का ये अपमान हुआ है, तो जब वही कह रहे हैं कि ये मानवीय भूल है, तो फिर दूसरे लोगों के ज्यादा देर तक आपत्ति करने का इसमें कोई ये नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है कि मंत्री महोदय को एक जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, ये एहसास जनता को दिलाते हुए कह देना चाहिए आके कि हाँ ये भूल हुई है, और मैं उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, मनमोहन जी स्वस्थ हो जाए और फिर इस देश की सेवा में आए। बिल्कुल शहनवाज, आप बने रहिए हमारे साथ, हम एक बार फिर से सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है खेल मंत्री हफीजुल हसन ने, ताकि जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको ये पता चले कि हम दरअसल किस बारे में बात कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आज निधन हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में, आज जो तरक्की आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, तो 50% उनका है। हिंदुस्तान का शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आज निधन हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में, आज जो तरक्की आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, तो 50% उनका हाथ। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कहा है खेल मंत्री हफीजुल हसन ने। शहनवाज हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, जिस तरह से ये बात आई सामने, और कांग्रेस का ये कहना कि सोशल मीडिया पे तमाम तरह की खबरें चल रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि कई कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उस खबर को उन्होंने डिलीट कर दिया, और कहीं ना कहीं से उड़ती सी खबर आ गई होगी, सोशल मीडिया से कहीं खबर आ गई होगी, और इसकी वजह से खेल मंत्री जो हफीजुल हसन है उन्होंने श्रद्धांजलि दे दी होगी। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब किसी ऐसे पद पर आसीन कोई व्यक्ति ऐसी गलती करता है, चलिए हम मान लेते हैं कांग्रेस की ही बात कि मानवीय भूल है, लेकिन क्या उन्हें ये इजाजत है कि वो मानवीय भूल भी करें? देखिए बिल्कुल इजाजत नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, और वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, और बहुत महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं, युवा खेल मामलों के मंत्री हैं, इसके अलावा निबंधन विभाग के मंत्री हैं, पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, मंत्री मंडल का जो डिजाइन है, जो उनका जो अट्रैक्शन है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो महत्वपूर्ण मंत्रालय रखते हैं और महत्वपूर्ण व्यक्ति है, युवा है, और एक ऐसे परिवार से आते हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा पहले से रहा है, कई कई बार रहा है, उनको पता है कि बयान कैसे दिए जाते हैं, उनको पता है कि चीजों को वेरीफाई कैसे किया जाता है, उनको पता है कि अफवाहें कितनी उड़ती हैं आज के दौर में, सोशल मीडिया में क्या से क्या होता है। अगर इस रुकना चाहेंगे आपको, हमारे साथ सीपी सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक।
सीपी सिंह जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपने सुना मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे दी है खेल मंत्री हफीजुल हसन ने, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हेमंत जी ने जो मंत्रिमंडल का गठन किया है उसमें 10 रत्न है, उन 10 रत्नों में से एक माननीय मंत्री जी है। अब सवाल है कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, रहे हैं, अब उनको श्रद्धांजलि दे दिए, ये भी आश्चर्यजनक है। सवाल है कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि अखिलेश जी महानवमी को रामनवमी की बधाई दी, उसी प्रकार से हमारे देश के तथाकथित युवा नेता राहुल गांधी उनके अपने नेता कुमाराम आर्च के बदले कहते हैं कुंभकर्ण, ये सब लोग कुछ जानते नहीं है, बस इसी तरह से चल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मंत्री इस तरह का गलती करे, इससे बड़ा कोई और गलती नहीं हो सकती है कि जीते जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे दे, इससे बड़ा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। सीपी सिंह जी, लेकिन इसके पहले भी आपको याद होगा कि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को भी श्रद्धांजलि दे दी गई थी, उस विषय में भी आपको विचार करना नहीं चाहिए? अरे कोई रहे, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ जी, कोई भी रहे, कोई भी श्रद्धांजलि देने के पूर्व पहले 10 बार उस पल को देखना चाहिए। कई बार लोग किसी की जन्म तिथि को पुण्यतिथि के रूप में मना लेते हैं, कोई पुण्यतिथि को जन्म तिथि के रूप में मना लेते हैं, तो एक राजनीतिक व्यक्ति को कम से कम इतना जरूर करना चाहिए कि सारी चीजें खोजबीन करने के बाद जब आश्वस्त हो जाए तब उस पर कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए, बस मेरा इतना ही कहना है। लेकिन एक मंत्री, एक सामान्य व्यक्ति कोई करता है तो क्षम्य है, इसलिए कि वो सामान्य व्यक्ति है। लेकिन एक मंत्री होकर यदि इस तरह की बात करेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि यह किसी भी प्रकार का क्षम्य है, बल्कि ये अपराध बोध उन्हें महसूस होना चाहिए और सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी चाहिए कि साहब हमसे ये भूल जी हो गई है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि क्षमा याचना उनको करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि मुझसे भूल हो गई है। लेकिन अभी अब से थोड़ी देर पहले राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका ये कहना था कि ये मानवीय भूल है और इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। भैया मैं कहां कह रहा हूँ कि मानवीय भूल नहीं है, भूल तो सबसे होती है ना जी। तो बड़े बड़े तथा बड़े जो कहलाते हैं पद पर बैठे हुए लोग यदि भूल करते हैं तो मानवीय भूल उसको नहीं माना जा सकता जी। बड़े बड़े लोग, ये मंत्री है, राज्य सरकार के मंत्री है, इसलिए एक प्रश्न उठ रहा, एक सामान्य व्यक्ति उनका कोई कार्यकर्ता यदि इसी प्रकार का करता तो क्या आपका चैनल इसको उठाता, इस पर कोई बहस कराता जी, इस पर प्रतिक्रिया आप लेते, सवाल का जवाब यही मिल जाएगा आपको जी। बिल्कुल, एक समान कार्यकर्ता की बात को आप नहीं उठाते, एक मंत्री ने ऐसी भूल की, इसलिए आपका न्यूज 11 चैनल जो लोकप्रिय चैनल है उसने इस मामले को उठाया है जी। सीधा सा तो बात है, तब ये मानवीय भूल कैसे कहलाएगा इसको बता दे जी। बिल्कुल, आप जब आम इंसान होते हैं आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आप जिम्मेदार पद पे होते हैं, आप मंत्री हैं और आप सरकार के साथ हैं, खेल मंत्री हैं, कई और विभाग भी आपके पास है, और तब अगर आप ये कहते हैं कि मानवीय भूल है, और उसके बाद जब इतनी देर खबर चलाते हुए भी आधे घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक उनका कोई बयान ऐसा नहीं आया कि मुझसे कोई गलती हो गई, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए मैं, मेरा ये कहना है कि देखिए इंसान वही है जो अपने भूल को स्वीकार कर ले। देखिए इंसान, गलतियां इंसान से ही होती है, धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट है। कहा गया है ना कि नोबडी इज परफेक्ट इन द अर्थ, धरती पर कोई परफेक्ट नहीं है। यदि भूल है तो उसे स्वीकारना चाहिए कि चलिए मैं मन से भूल गया, इसलिए मैं लोगों से क्षमा मांगता हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, खत्म। कहा गया है क्षमा दिरस्य भूषणम, क्षमा जो होता है ना वीर का भूषण होता है जी, तो जनता माफ कर देगी, इसमें दिक्कत कहाँ है जी। बिल्कुल, तो जनता माफ कर देगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सीपी सिंह जी। तो बीजेपी विधायक सीपी सिंह को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन बड़ा दिल करके मंत्री को सामने आके ये कहना चाहिए कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, जनता उन्हें क्षमा कर देगी।
और शहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, आपने सुना क्या कुछ कहा सीपी सिंह ने? हाँ बिल्कुल सही कह रहे थे, सीपी सिंह बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है जी, और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, कई भी विभागों के मंत्री भी रहे हैं, और सबसे ज्यादा आम बात यह है इस कंटेक्स्ट में कि सर्व सुलभ व्यक्ति है जर्नलिस्टों के लिए कोई बयान लेने के लिए जी। अब जिस वक्त चाहे उनसे जिस ही मुद्दे पर बयान ले सकते हैं, लेकिन वो जो बयान देते हैं वो बहुत नपातुला होता है, बहुत ही जानकारी परक होता है, वो पहले से अवेयर रहते हैं जी। वो मैच्योर सीजन पॉलिटिशियन है और वो हर चीज को पहले से तौलते हैं, तौल करके बोलते हैं जी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये इसका चर्चा इसकी होनी जरूरी है कि खास करके कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जैसे कुछ विधायक ऐसे होते हैं जी, जिनको ये लगता है कि मीडिया चाहे जो बके, मीडिया पे हमारे बारे में जो चले जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शहनवाज आपने कि मीडिया में चाहे जो भी कुछ चल जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और शायद ऐसा ही कुछ है खेल मंत्री हफीजुल हसन का जो मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे बैठे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।